कोई भी सपना साकार करने के लिए सबसे जरूरी है सही कोच का होना। चुनिए राणा एजुकेशन को और करे अपने NCHMCT JEE UGC NET का सपना साकार। डाउनलोड द ऐप नाउ। हेलो गाइस एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल राणा एजुकेशन। गाइस आज हम बात करने वाले हैं कल जो पेपर आपका होने वाला है, कल मीन्स 19th of December, है ना। तो कल गाइस आपका जो पेपर होने वाला है वो कल आपके गाइस दो पेपर होने वाले हैं, लेट मी टेल यू दिस वन, है ना। तो BHA 107 एंड BHA 108, एक होगा कस्टमर रिलेशन मैनेजमेंट और दूसरा होगा एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स। आपको आपके कॉलेज में बताया गया होगा कि आपको इन दोनों में से कोई एक चूज करना होता है, ओके। तो जिसने CRM चूज किया होगा वो CRM का एग्जाम देगा, जिसने एम्प्लॉयबिलिटी स्किल चूज किया होगा वो एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स का एग्जाम देगा, ओके। बड़ी बात इसमें क्या है कि ये पेपर आपको 2 घंटे का होने वाला है, 9:30 से 11:30। ऑलराइट, तो ये कल के पेपर का अपडेट है। अब हम बात कर लेते हैं सिलेबस की। गाइस इसमें मैं आपको रेफरेंस पेपर नहीं दिखा पाऊंगा क्योंकि ये नए टॉपिक्स हैं और मैंने ऑनलाइन ढूंढा, मेरे को कोई भी CRM या एम्प्लॉयबिलिटी स्किल के रेफरेंस पेपर नहीं मिले हैं, मींस कोई पुराने ईयर्स के पेपर नहीं मिले हैं, और जो मिल रहे हैं वो अदर यूनिवर्सिटीज के हैं और उनका सिलेबस कुछ अलग है, ओके। तो आपको मैं एक आइडिया दे सकता हूँ कि कैसे क्वेश्चंस यहाँ से ड्राफ्ट हो सकते हैं, ओके। तो सबसे पहले हम बात करेंगे सबसे पहले हम बात करने वाले हैं CRM की, ओके। CRM मींस कस्टमर रिलेशंस मैनेजमेंट, कोड है इसका BHA 107, ओके। और ये 30 नंबर का आपका पेपर होगा और 2 घंटे का पेपर होगा, और पैटर्न को सेम रहेगा, सेक्शन ए, सेक्शन बी, सेक्शन सी। जो फर्स्ट यूनिट है हमारी CRM की, कस्टमर रिलेशन मैनेजमेंट की, वो है डेफिनेशन ऑफ कस्टमर, ओके। तो कस्टमर कितने टाइप के होते हैं, आपको नोट्स आपके टीचर ने दिए होंगे, है ना। तो टाइप्स ऑफ कस्टमर, ओनरशिप क्या होती है, वैल्यू क्या होती है, वैल्यू फॉर मनी क्या होता है, ओके। करेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं, कस्टमर वैल्यू क्या होती है, टोटल कॉस्ट ऑफ ओनरशिप एंड फिलोसफी ऑफ गेस्ट, ओके। जो डेफिनेशंस आपके सिलेबस में है, आपके नोट्स में आपको मिली होंगी, गाइस वो आपने एक बार देख लेना। जो इसकी सेकेंड यूनिट है वो है सर्विस एक्सीलेंस एंड एक्सपीरियंस, ओके। तो क्योंकि हॉस्पिटैलिटी में हमारा मेन एम क्या होता है, टू अचीव द एक्सीलेंस, ओके। अगर हम एक्सीलेंस को अचीव करते हैं तो गेस्ट का एक्सपीरियंस अच्छा होता है, और गेस्ट का अगर एक्सपीरियंस अच्छा होता है तो वो रिपीट गेस्ट बन जाता है ना, वो बार बार उसी होटल में जाएगा, ओके। तो स्टैंडर्ड्स क्या है सर्विस के, है ना, गेस्ट सेटिस्फेक्शन हम कैसे अचीव कर सकते हैं, यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है। बेंचमार्किंग, प्रिंसिपल्स ऑफ कस्टमर सर्विस, है ना, एंड पर्सनलाइज सर्विस एंड क्वालिटी एंड फीडबैक, मीन्स वो वाव फैक्टर होता है ना, वाव फैक्टर वो हमें क्रिएट करना होता है, सो दैट वो गेस्ट के ब्रेन में, माइंड में घूमता रहे वो एक्सपीरियंस, है ना। जब कोई गेस्ट किसी होटल में जाता है तो वो एक एक्सपीरियंस लेके वहां से आता है, और अगर एक्सपीरियंस अच्छा हो तो वो उसके ब्रेन में चीजें घूमती रहती हैं, नेक्स्ट टाइम जब भी कोई इवेंट प्लान करता है तो वो डेफिनेटली सेम लोकेशन को चूज करता है। फीडबैक, हम जब होटल में गेस्ट को सर्विस करते हैं तो हम लास्ट में एक फीडबैक भी गेस्ट से भरवाते हैं। फीडबैक में हमें ये मालूम पड़ता है कि हमारी सर्विस जो है वो एक एक्सीलेंट सर्विस है कि नहीं है, और जो उसमें कमियां हैं, जो उसमें फ्लॉज हैं, वो गेस्ट हमें बताता है और हमें वो इम्प्रूव करना है। तो फीडबैक इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, फीडबैक से क्वेश्चन आ सकता है। देन डिफाइनिंग लॉयल्टी, है ना, देन अंडरस्टैंडिंग लॉयल्टी सेगमेंट, लॉयल्टी स्कीम्स, कस्टमर रिटेंशन टेक्निक्स एंड क्रिएटिंग सर्विस एक्सीलेंस। कस्टमर रिटेंशन टेक्निक्स, है ना, कि हम कस्टमर को रिटेन कैसे करें। जैसे हम जब गेस्ट का वो फॉर्म भरवाते हैं तो हमें पता होता है कि गेस्ट का डेट ऑफ बर्थ क्या है, गेस्ट का मैरिज कब हुई थी, है ना। तो हम उसको जो इवेंट होते हैं, हम उसको उस इवेंट से पहले उसको एक रिमाइंडर देते हैं। फॉर एग्जाम्पल, किसी गेस्ट ने अगर अपना बर्थडे होटल में सेलिब्रेट किया है, या अपने फैमिली में किसी मेंबर का बर्थडे होटल में सेलिब्रेट किया है, तो नेक्स्ट ईयर हम उससे 1 महीना पहले उसको ऑफर देंगे, उसको नए नए ऑफर्स बताएंगे, ताकि जो हम गेस्ट को रिटेन कर सकें, ओके। यहाँ से क्वेश्चन आ सकता है। कस्टमर मैट्रिक्स, ओके, तो यूजेस ऑफ कस्टमर मैट्रिक्स, क्रिएटिंग गेस्ट सेंट्रिक सिस्टम, है ना, एमर्जिंग ट्रेंड्स इन गेस्ट रिटेंशन एंड क्रिएटिंग एक्सीलेंस। अगेन बात वही घूमती है कि सेटिस्फेक्शन क्या है और कैसे हम गेस्ट का एक्सपीरियंस को अच्छा करके उसको रिपीट गेस्ट में
हम कन्वर्ट करेंगे। देन गेस्ट कॉन्टैक्ट एंड करंट हॉस्पिटैलिटी प्रैक्टिसेस। तो आफ्टर कोरोना जो है वो आपको पता है कई होटल में कॉन्टैक्टलेस चेक इन शुरू हो गया था। हमारी जो नई टेक्निक्स आई थी, जो टेक्नोलॉजी है उसने उसको हमने अडॉप्ट किया था कोरोना के टाइम पे, वो वहाँ से क्वेश्चन यहाँ पे आ सकता है। गेस्ट रिलेशंस हम कैसे स्ट्रॉन्ग करते हैं, है ना। देन हैंडलिंग ऑकवर्ड डिफिकल्ट सिचुएशन, ये एक्चुअली कंप्लेंट हैंडलिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, और डिफरेंट टाइप्स ऑफ सिचुएशन को हम कैसे हैंडल करते हैं। ये गेस्ट हैंडलिंग सिचुएशन आपने हाउसकीपिंग में पढ़ा होगा। ओके, गेस्ट कम्युनिकेशन, गेस्ट प्रेफरेंसेस एंड गेस्ट हिस्ट्री। गेस्ट हिस्ट्री कार्ड होटल हमेशा मेंटेन करता है, तो यहाँ से क्यों मेंटेन करता है वो आपसे पूछा जा सकता है। गेस्ट की प्रेफरेंसेस, गेस्ट के लाइक्स एंड गेस्ट के डिसलाइक्स हमें हमेशा याद रखने होते हैं, ताकि हम उनको बार बार जब भी गेस्ट की जो चीज़ लाइक है वो हम उसको ऑफर कर सकें। कंप्लेंट मैनेजमेंट बहुत इंपॉर्टेंट, कंप्लेंट्स होटल में बहुत ऑफनली होती हैं, लेकिन हम उनको कैसे मैनेज करते हैं, कैसे हम कंप्लेंट का फॉलो अप लेते हैं, यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है। गेस्ट सेटिस्फेक्शन ट्रैकिंग सिस्टम एंड मिस्ट्री ऑडिट्स। ओके, तो ये 5 यूनिट्स हैं गेस्ट, मैंने आप 5 यूनिट्स हैं स्टूडेंट्स। मैंने आपको एक ओवरव्यू सा दिया है, अनफॉर्चुनेटली कोई सैम्पल पेपर मेरे पास नहीं है। ओके, लेकिन नोट्स आपको आपके टीचर ने दिए होंगे, है ना, वहाँ पे आपने उसको एक बार ध्यान से देख लेना है। मेनली क्या है, यू नो, कस्टमर रिलेशन, हमने कस्टमर से रिलेशन कैसे मेंटेन करना है, सर्विस कैसे एक्सीलेंट देनी है, फीडबैक कैसे लेनी है, लॉयल्टी कस्टमर क्या होता है। ओके, इन्हीं से क्वेश्चन आपके मेनली यहाँ पे बनेंगे। हमारा नेक्स्ट जो पेपर होगा, जो दूसरा पेपर होगा, वो BHA 108 है, एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स। ओके, तो एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स का सिलेबस ये रहा। फर्स्ट आपका आता है बिहेवियरल स्किल, है ना, तो इफेक्टिव लिसनिंग, नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। अब ये आपका एक तरह से प्लस पॉइंट है, क्योंकि कम्युनिकेशन का आपका एक अलग से पेपर होना है, तो कम्युनिकेशन के कुछ टॉपिक्स आपको यहाँ मिलने वाले हैं। सो व्हाट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ लिसनिंग? लिसनिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट। इफ यू वांट टू बिकम अ गुड स्पीकर, सो फर्स्ट ऑफ ऑल यू नीड टू बिकम अ गुड लिसनर, है ना। देन नॉन वर्बल कम्युनिकेशन, वर्बल कम्युनिकेशन, सोशल स्किल्स, पैराफ्रेजिंग, सॉर्ट, स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपॉर्चुनिटी, थ्रेट्स, है ना, एनालिसिस क्या होता है, सॉर्ट से क्वेश्चन डेफिनेटली आ सकता है। रोल प्लेज ऑफ गेस्ट हैंडलिंग, इंटरपर्सनल रिलेशनशिप्स एंड क्रॉस कल्चरल कम्युनिकेशन, बहुत कॉमन से टॉपिक हैं, आपके नोट्स में आपको टीचर ने दिए होंगे। यूनिट सेकंड है साइकोलॉजिकल टेस्ट, मींस एप्टीट्यूड एंड पर्सनैलिटी असेसमेंट। ओके, सो सजेशंस फॉर इम्प्रूवमेंट, है ना। एप्टीट्यूड बहुत इंपॉर्टेंट है, एप्टीट्यूड मीन लर्निंग आपका जो स्किल होता है। ओके, एंड पर्सनैलिटी असेसमेंट। ऑल राइट, सजेशंस फॉर इम्प्रूवमेंट, लीडरशिप स्किल, लीडर क्या है और एक लीडर की क्या क्वालिटीज होनी चाहिए, लीडरशिप स्किल्स यहाँ से क्वेश्चन आ सकता है। कॉन्सेप्ट ऑफ लीडरशिप, लीडरशिप स्टाइल्स बहुत तरह के होते हैं, अथॉरिटेटिव, है ना, देन लेजिस फेयर, वो आपने जितने भी लीडरशिप स्टाइल्स हैं वो सारे पढ़ लेने हैं। ओके, देन इंसाइट्स फ्रॉम ग्रेट लीडर्स, किसी का एग्जाम्पल भी आपके सामने यहाँ से पूछा जा सकता है। यूनिट 3 है टीम स्किल्स, तो टीम वर्किंग बहुत इंपॉर्टेंट है ना, टीम बिल्डिंग कैसे करते हैं, टीम में लीडरशिप कैसे होती है, इवोल्यूशन ऑफ ग्रुप्स इनटू टीम्स। ओके, ग्रुप डायनामिक्स, एमर्जेंस ऑफ लीडरशिप, इंट्रा ग्रुप डायनामिक्स, मींस यहां से आपके क्वेश्चन क्या बनेंगे, टीम स्किल्स, टीम क्यों जरूरी है और टीम मैनेजमेंट क्यों इंपॉर्टेंट है। ओके, और टीम में क्या क्या कॉन्फ्लिक्ट होते हैं और उनको कैसे हम हैंडल करते हैं। ओके, तो थर्ड यूनिट आपका टीम है, इसका जो मेन क्रक्स है। जो फोर्थ यूनिट है दैट इज टाइम मैनेजमेंट, वेरी इंपॉर्टेंट। तो टाइम मैनेजमेंट के आपको एक्चुअली यहाँ पे लॉज दिए हुए हैं, है ना, पार्किंसन लॉ, मर्फीज लॉ, लॉ ऑफ क्लटर, जितने भी लॉज आपको यहाँ पे सिलेबस में है इनको एक बार ध्यान से पढ़ लेना, यहाँ से डेफिनेटली क्वेश्चन आएगा। गोल कैसे सेट करते हैं, ओके, एंड हाउ वी डू द इफेक्टिव टाइम मैनेजमेंट। एंड द फिफ्थ यूनिट इज सिलेक्शन प्रोसेस, सिलेक्शन कैसे होती है, सो पूरा सिलेक्शन प्रोसेस पे क्वेश्चन आ सकता है। यहाँ पे एक बड़ा क्वेश्चन आपका 7 नंबर का आ सकता है कि व्हाट इज द रिक्रूटमेंट प्रोसेस एंड व्हाट इज द सिलेक्शन प्रोसेस। सो प्रैक्टिस ऑफ साइकोलॉजिकल टेस्ट, है ना, इफेक्टिव रिज्यूमे राइटिंग, रिज्यूमे की इंपॉर्टेंस क्या है, इफेक्टिव रिज्यूमे राइटिंग कैसे होती है, क्वेश्चन ड्राफ्ट हो सकता है, डीलिंग विद प्लेसमेंट कंसल्टेंट्स, रिक्रूटर्स, रेफरेंसेज, हाउ टू गेट इफेक्टिव रेफरेंसेज फ्रॉम पास्ट एंड करंट एम्प्लॉयज, है ना,
तो रेफरेंसेस बहुत काम करते हैं हमारे सिलेक्शन प्रोसेस में। अगर कोई एक सीईओ है या जनरल मैनेजर है, अगर वो किसी को रेफर करता है तो वो ऐसे ही रेफर नहीं करेगा, उसने उसमें कुछ क्वालिटीज देखी होगी तभी उसको रेफर किया जाता है। देन ग्रुप डिस्कशंस, है ना, क्यों होती हैं ग्रुप डिस्कशंस, क्या इंपॉर्टेंस है। ओके, इंटरव्यू टेक्निक्स, इंटरव्यू क्या होता है, पीआई क्या होता है, जीआई क्या होता है, इफेक्टिव इंटरव्यू टेक्निक्स, मॉक इंटरव्यूज, है ना, स्ट्रेस इंटरव्यूज, रिव्यू एंड फीडबैक। ओके, तो यहाँ से क्वेश्चंस बन सकते हैं। डेफिनेटली आपके टीचर्स ने आपको नोट्स दिए होंगे, वहाँ से आपने इनको, इन सभी जो टॉपिक्स हैं मेन मेन, इनको एक बार आपने देख लेना है गाइस। ओके, तो यहाँ का जो मेन क्रक्स है वो है आपका टीम स्किल्स, टाइम मैनेजमेंट, यू नो, बिहेवियरल स्किल्स एंड सिलेक्शन प्रोसेस। ओके, तो गाइज ये आज का वीडियो था। अनफॉर्चुनेटली मैं आपको सैम्पल पेपर नहीं दिखा सकता, लेकिन है ही नहीं, एक्चुअली नया सिलेबस है। ऑल राइट, बट क्रक्स यही है कि नोट्स को एक बार ध्यान से पढ़ लेना, टू द पॉइंट लिख के आना, जो जैसे ये लॉज हैं इनको एक बार ध्यान से देख लेना। पेपर आपका 2 घंटे का होगा, 9:30 से 11:30। जिसने सीआरएम चूज किया है उसको BHA 107 मिलेगा, जिसने एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स चूज किया है उसको BHA 108 मिलेगा। ओके, सो थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइज, एंड ऑल द बेस्ट फॉर टुमारोज एग्जाम। मिलते हैं कल नेक्स्ट वीडियो के साथ, परसों के पेपर के एनालिसिस के साथ। टिल देन, थैंक यू एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।